महाभारत। महाभारत में कई रहस्यमय और ताकतवर योद्धा थे, ऐसे योद्धा जिनके बिना इस महान महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्हीं में से एक बार्बरिक। बार्बरिक पांच पांडवों में से एक भीम का पोता था और घटोत्कच का पुत्र था। बार्बरिक बचपन से ही एक बेहतरीन योद्धा था। उसे युद्ध की कला उसकी माँ ने यानी मौरवी ने सिखाई थी। बार्बरिक को एक योद्धा के रूप में इतने कुशल और निपुण देखकर भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए थे। इसीलिए उन्होंने बार्बरिक को तीन बेहद शक्तिशाली तीर दिए। बार्बरिक इतना शक्तिशाली था कि वो अकेले ही महाभारत के युद्ध को मात्र एक मिनट में ही खत्म कर सकता था। महाभारत के युद्ध की घोषणा होने के बाद बार्बरिक हमेशा युद्ध देखने के लिए तरसता था। बाद में काफी समझाने के बाद उसकी माँ मौरवी ने उसे युद्ध देखने के लिए आज्ञा दे दी। लेकिन जाने से पहले बार्बरिक की माँ ने उसे एक सवाल पूछा कि अगर वो किसी परिस्थिति में महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहे तो वो किस पक्ष में शामिल होगा। बार्बरिक ने अपनी माँ को वचन देते हुए कहा कि वो केवल कमजोर पक्ष की तरफ से ही युद्ध लड़ेगा। और उसके बाद बार्बरिक महाभारत की युद्ध भूमि की तरफ चल पड़ा। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने बार्बरिक के बारे में बहुत कुछ सुना था, वो बार्बरिक की शक्ति की जांच करना चाहते थे। इसीलिए श्री कृष्ण बार्बरिक से मिलने चले आए। श्री कृष्ण ने बार्बरिक से एक सवाल पूछा कि अगर तुम इस युद्ध में शामिल होते हो तो इस युद्ध को कितने समय में खत्म कर सकते हो। बार्बरिक ने जवाब दिया कि उसे इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मात्र एक मिनट का ही समय लगेगा। बार्बरिक का जवाब सुनकर श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बार्बरिक मात्र तीन तीरों की मदद से इस युद्ध भूमि तक जा रहा था। फिर बार्बरिक ने उसके तीन असाधारण तीरों की शक्ति के बारे में श्री कृष्ण को बताया। बार्बरिक के अनुसार उसका पहला तीर उन सभी चीजों को चिन्हित करेगा जिन्हें वो नष्ट करना चाहता है। उसका दूसरा तीर उन सभी को चिन्हित करेगा जिन्हें वो बचाना चाहता है। और उसका तीसरा तीर उन सभी को नष्ट करेगा जिन्हें उसने चिन्हित नहीं किया। आखिर में जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तब वो उसके तीनों तीर अपने वास्तविक स्थान पर लौट आएंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण बार्बरिक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। इसलिए उन्होंने बार्बरिक को उसकी बात साबित करने के लिए एक छोटी सी चुनौती दी। चुनौती ये थी कि जिस पेड़ के नीचे वो लोग खड़े थे उस पेड़ के सभी पत्तों को निशाने बनाने की। बार्बरिक ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। बार्बरिक जब चुनौती पूरी करने के लिए ध्यान लगा रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने उस पेड़ से एक पत्ता निकालकर अपने पैर के नीचे रख दिया। ध्यान पूरा करने के बाद बार्बरिक ने अपना पहला तीर चलाया जिसने उन सभी पत्तों को निशाना बनाया जिसे वो नष्ट करना चाहता था। उसके बाद उसके दूसरे तीर ने उन सभी पत्तों को निशाना बनाया जिन्हें वो बचाना चाहता था। बार्बरिक ने अपना आखिरी तीर चलाया, उसने पेड़ पर लगे सभी पत्तों को निशाना बनाया और अंत में श्री कृष्ण के पैर में आके लगा। ये देखकर श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा कि तुमने तो पेड़ के पत्तों को निशाना लगाया था तो तुम्हारा ये तीर मेरे पैर में क्यों लगा। बार्बरिक ने बोला कि आपके पैर के नीचे इस पेड़ का पत्ता होगा इसलिए मेरा तीर आपके पैर में आके लगा। बार्बरिक की इस असाधारण शक्ति को देखकर श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए। ये देखकर श्री कृष्ण ने बार्बरिक से वही सवाल पूछा जो उसकी माँ ने पूछा था कि अगर युद्ध करने की नौबत आई तो इस युद्ध में किसकी तरफ से युद्ध करेगा। बार्बरिक ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कौरवों की सेना पांडवों से बड़ी है इसलिए वो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ेगा। श्री कृष्ण ने इस बात पर बहुत विचार किया क्योंकि बात ये थी कि बार्बरिक उसी सेना की तरफ से युद्ध लड़ेगा जिसकी सेना कमजोर होगी और तब तक लड़ता रहेगा जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता। युद्ध में अगर पांडव जीतने लगे मतलब कौरवों की सेना कमजोर पड़ी होगी। इसका मतलब बार्बरिक अपने वचन के अनुसार कमजोर पक्ष मतलब कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेगा और यदि कौरव जीतने लगे तो पांडवों की तरफ से लड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने इस बात पर बहुत विचार किया क्योंकि बात ये थी कि बार्बरिक उसी सेना की तरफ से युद्ध लड़ेगा जिसकी सेना कमजोर होगी और तब तक युद्ध लड़ता रहेगा जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। श्री कृष्ण ने बार्बरिक को अपनी माँ से दिए वचन के दुविधा के बारे में बताया क्योंकि बार्बरिक उस समय युद्ध के मैदान में सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा था। मतलब बार्बरिक जिस भी पक्ष से युद्ध लड़ेगा वो सामने वाले पक्ष को कमजोर बना देगा क्योंकि बार्बरिक सबसे ज्यादा ताकतवर था। अंततः बार्बरिक अपना वचन निभाने के प्रयास में पांडव और कौरव के बीच फंस जाता और अपने अलावा सबको नष्ट कर देता। इसलिए भगवान कृष्ण ने बार्बरिक को ऐसा होने से रोकने के लिए अपना सिर बलिदान देने के लिए कहा और बार्बरिक अपना सिर बलिदान देने के लिए खुशी खुशी मान लिया। अपना सिर बलिदान करने से पहले बार्बरिक ने इस आने वाले महान युद्ध को देखने की इच्छा व्यक्त की। बार्बरिक की बात मानकर श्री कृष्ण ने बार्बरिक का सिर ऐसे पहाड़ी पर रख दिया जहाँ से पूरी युद्ध भूमि बड़ी आसानी से दिखती थी।
महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध में दिए गए योगदान के बारे में पांडवों में बहस चल रही थी। पांडवों ने इसका जवाब श्री कृष्ण से मांगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बारबरिक का सिर ही इस योगदान के बारे में न्याय कर सकता है, क्योंकि बारबरिक एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पांडवों के इस बहस का निष्पक्ष जवाब दे सकता था। तब सभी पांडवों ने जाकर बारबरिक से पांडवों की इस बहस का जवाब मांगा। बारबरिक ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही वो थे जो इस युद्ध को जीतने के लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार थे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।